हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोलिनेशन आज का टॉपिक है हमारा। चलिए शुरुआत करते हैं पोलिनेशन से। वैसे तो ये वर्ड बहुत ही फैमिलियर है, आप लोग जानते हैं, लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं पोलिनेशन किसको कहते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम आज पोलिनेशन के बारे में। बेसिक डेफिनेशन पोलिनेशन की आप सबको पता है कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होना। तो पोलिनेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करके ले कहां जाना है? टूवर्ड्स दी स्टिग्मा। जो पिस्टिल का पोर्शन है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, और स्टिग्मा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पोलन ग्रेन सिट कर सकती है, रेस्ट कर सकती है। अगली इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन की, वो तो उसके बाद शुरू होगी। तो ऑलवेज मेल स्पोर्स फीमेल बॉडी की तरफ मूव करते हैं। पोलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोर है और वो मूवमेंट करते हैं टूवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट मीन्स पिस्टिल, जिससे पोलन ग्रेन से फॉर्म होने वाले मेल गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवम या तो स्पर्म सेल है उसके साथ फ्यूज हो सके। तो पोलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। पोलन ग्रेन जो है उसका ट्रांसफर मोस्टली तभी हो सकता है जब वो एंथर में से शेड हो। पोलन ग्रेन जब एंथर में मैच्योर हो जाती है तब एंथर में डेहिसन होता है। एंथर के जो लेयर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा था बाहर की तरफ का एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, इन सब में क्रैक होती है और उस क्रैक की वजह से स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजियम जो 4 नंबर्स में प्रेजेंट थे उनमें जो पोलन ग्रेन्स बनी है वो रिलीज हो जाएगी। काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्होंने अमेजिंग एरेड एडप्टेशन के अचीव किए हैं पोलिनेशन करने के लिए। आप अगर देखें तो बहुत से अलग अलग किस्म की स्पीशीज जो है वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स को अडप्ट करती है। पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। मोस्टली पोलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए डिपेंडेड है प्लांट्स एक्सटर्नल एजेंट्स के ऊपर, जैसे कि एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, वाटर, एयर। पर मोस्ट ऑफ दिस स्पीशीज जो है प्लांट की वो बायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंडेड होती हैं पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए, और वो होते हैं एनिमल्स और मोस्टली उनमें इंसेक्ट, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हनी बी। तो हमने बात की कि पोलिनेशन का मतलब जो है वो होता है कि पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाती है जब एंथर में, तब वहाँ से रिलीज होती है और एक्सटर्नल एजेंट्स उनको पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसके स्टिग्मा के टूवर्ड्स लीड करवा देते हैं। काइंड ऑफ पोलिनेशन हमारा मेन टॉपिक है पोलिनेशन टॉपिक के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड ऑफ पोलिनेशन में ऑटोगेमी के बारे में डिटेल में, गैटेनोगेमी एंड ज़ेनोगेमी, ये तीनों टाइप्स है पोलिनेशन के, काइंड ऑफ पोलिनेशन भी जिसको कह सकते हैं। पोलन ग्रेन का सोर्स कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि हम पोलिनेशन को ऑटोगेमी कहेंगे, गैटेनोगेमी कहेंगे या ज़ेनोगेमी। क्या वो पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर से पिस्टिल की तरफ मूवमेंट कर रही है, या प्लांट सेम है पर फ्लावर अलग अलग है, या फिर एक प्लांट से पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के अगर फ्लावर पे जाती है तो फिर क्या नाम कहेंगे? तो सोर्स ऑफ पोलन, सेम फ्लावर से पोलन आई है कि सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से आई है कि बिल्कुल प्लांट ही डिफरेंट है। स्पीशीज सब में एक ही रहेगी, सेम स्पीशीज में ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकती है। तो ये सोर्स की बात है, पोलन का सोर्स कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पोलिनेशन का टाइप क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, गैटेनोगेमी होगा, ज़ेनोगेमी होगा। तो तीन टाइप का है, काइंड्स कहा जाता है इसको पोलिनेशन के, काइंड्स। एक एक करके समझते हैं कि ऑटोगेमी क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑटोगेमी रहेगा। यहाँ पर फिगर में देखिए मैंने डिफरेंट शेप्स की
पोलन ग्रेन्स को दिखा रखा है। आप लोगों ने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एग्जाइम जो है वो डिफरेंट तरीके के अरेंजमेंट करता है। स्पोरोपोलोनिन है, उसका अरेंजमेंट है, उसका एक ऐसा पैटर्न है जिस वजह से आप देखो तो पोलन ग्रेन्स एकदम डिफरेंट तरीके का लुक और अपीयरेंस क्रिएट करती है। यहाँ पर हमें क्लियर कट दिख रहा है किस तरीके से हर एक पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है। पोलन ग्रेन की साइज और उसमें बहुत सारी वेराइटी है जो हमने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के वक्त पढ़ा था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है पोलिनेशन के काइंड्स। और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है ओटोगेमी। यहाँ ओटो का मतलब जो है वो होगा सेम। ओटो वर्ड का मीनिंग हम करेंगे सिमिलर या सेम, और जहां गेमी वर्ड का मीनिंग होता है फ्यूजन, क्योंकि आगे चल के पोलन ग्रेन से बनने वाले मेल गैमेट्स और ओवम फ्यूज होने वाले हैं, इसलिए हमने गेमी वर्ड यूज किया है। जैसे गैमेट्स वर्ड भी हम यूज करते हैं मोस्टली, जो मिलने वाला है एक दूसरे से उनको हम गैमेट्स कहते हैं। ओटोगेमी के अंदर पोलिनेशन में सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या रहेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये तभी हो सकता है। ओटोगेमी जो है वो तभी हो सकती है जब एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो। तो देखिए यहां पर मैं पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके टिप पे है स्टिग्मा, और जबकि यहां पर आपको बहुत ही क्लियर कट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिख रहे हैं, और इन सब की टिप पे है एंथर। तो ये फ्लावर जो है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका मतलब है ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। तो इसके अंदर जरा ध्यान से देखिए, ये जो एंथर का पोर्शन है, ये सारे एंथर हैं। वो एंथर मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन्स को लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस करते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट छुपा हुआ होता है। प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स विच कंटेन मेल गैमेट्स। हम जानते हैं कि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट छुपा हुआ है। ये पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर अगर सिट करती है, देखिए यहाँ पर सेम फ्लावर और पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रही हो, उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे ओटोगेमी। अगर हम नॉर्मल फ्लावर की बात करें जो ओपन होता है, जैसे ये फ्लावर है वो एक्सपोज्ड है, तो यहां पर कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि इसी फ्लावर की पोलन जो है वो स्टिग्मा पे गिरे, क्योंकि इसका स्टिग्मा एक्सपोज है। हो सकता है कि इस फ्लावर की पोलन ग्रेन्स इसके एंथर से इस स्टिग्मा पे आए, उससे पहले सेम स्पीशीज का कोई दूसरा फ्लावर होगा जिसकी पोलन ऑलरेडी विंड या तो वाटर या तो इंसेक्ट के जरिए स्टिग्मा तक पहुंच गई हो। तो ऑटोगेमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है, क्योंकि फ्लावर नॉर्मली एक्सपोज रहता है, स्टिग्मा भी एक्सपोज रहेगी। ऐसे केस में अगर उसी फ्लावर के एंथर में से निकली पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर से पहले कोई दूसरे फ्लावर की पोलन स्टिग्मा पे आ जाती है, तो ओटोगेमी का नाम ओटोगेमी नहीं रहेगा, फिर ये जो पोलिनेशन है उसका टाइप चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट ओटोगेमी जो है वो रेयर है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि स्टिग्मा पे कोई दूसरे फ्लावर की पोलन ग्रेन्स भी आ सकती है। हमने थोड़ी कोई बैरियर रखा है, हमने थोड़ी कोई चौकीदार बिठा रखे कि दूसरी पोलन ग्रेन्स आएगी उसको नहीं आने देंगे। वाटर, एयर, इंसेक्ट तो किसी भी फ्लावर की पोलन को लेके आ सकते हैं, सेम स्पीशीज की उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की पोलन लेके आ सकता है, उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट की भी पोलन ग्रेन इंसेक्ट लेके आ सकते हैं। इंसेक्ट के लिए कोई बैरियर नहीं, हो किसी भी प्लांट से मूवमेंट करके कोई और प्लांट पे मूव कर सकते हैं। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर को विजिट करते हैं तो अलग अलग जो फ्लावर से उनकी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाती है। तो कंप्लीट ऑटोगेमी मोस्टली रेयर है। अगर कंप्लीट ऑटोगेमी करनी है तो उसके लिए कुछ एडप्टेशन और मॉडिफिकेशन की जरूरत रहती है, अदरवाइज आप देखें तो कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर।
तो ऑटोगेमी का मतलब अब आप समझ चुके हैं कि ऑटोगेमी का क्या मीनिंग होता है। चलिए अब देखते हैं कि ऑटोगेमी के भी टाइप्स हैं। तो ऑटोगेमी के टाइप्स होते हैं, ऑटोगेमी को भी डिवाइड किया जा सकता है और वो डिपेंड करता है कि फ्लावर्स किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं हम लोग ऑटोगेमी के टाइप्स। उससे पहले एक बार देख लें कि कंप्लीट ऑटोगेमी करने के लिए हम चाहते हैं कि फ्लावर में ऑटोगेमी के चांसेस इंक्रीज हो, तो एक सिंक्रोनी होनी चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, जो पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाती है एंथर से तब वो रिलीज होती है, और जब पोलन ग्रेन्स रिलीज हो उसी वक्त उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो होती है वो एक्टिवेट हो जानी चाहिए, मतलब टाइम पीरियड सेम रहना चाहिए। यहां से पोलन ग्रेन एंथर की तरफ से निकली, यहां से अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन जो है वो फॉर्म हो चुकी है और वो मूवमेंट करे जब स्टिग्मा की तरफ तब स्टिग्मा एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज वो पोलन ग्रेन यहां से पहुंचेगी तो जरूर स्टिग्मा की तरफ, पर स्टिग्मा अगर एक्टिव नहीं होगा तो वो स्टिग्मा के ऊपर आई हुई पोलन एक वक्त के बाद नॉन वायबल हो जाएगी, क्योंकि पोलन ग्रेन्स के बारे में आप लोगों ने समझा कि कुछ समय के बाद रिलीज होने के कुछ वक्त के बाद पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि जब एंथर से पोलन निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचे तब उसका स्टिग्मा भी एक्टिवेटेड होना चाहिए। अगर स्टिग्मा इमैच्योर होगा, अभी डेवलप नहीं होगा, तो उस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब नहीं बनेगी और जर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो पहली चीज, दोनों एक्टिवेट एक साथ साथ होने चाहिए, पोलन जब निकली तभी स्टिग्मा एक्टिवेट होने चाहिए तो पोलन ग्रेन्स एक्सेप्ट भी हो जाए और जर्मिनेशन भी हो जाए। और दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स को हमें एंथर से पहुंचाना है स्टिग्मा की तरफ, तो उसके लिए जरूरी है कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो साथ साथ हो, क्लोज हो। एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर। सेल्फ पोलिनेशन जिसका मतलब है सेल्फ, सेम फ्लावर की पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरना, पर ये तभी हो सकता है जब एंथर और स्टिग्मा के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस का ज्यादा ना हो। तो इजीली एंथर से निकली हुई पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंच जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इजीली पहुंच जाएगी, कोई बीच में बैरियर्स नहीं होंगे क्योंकि दोनों के बीच में कोई ज्यादा गैप है नहीं, दोनों एकदम पास पास में है, तो मटेरियल ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। यहां पर जरा देखिए, ये स्टिग्मा है सू फ्लावर का, तो यहां पर सू फ्लावर में आप देखिए 5 स्टिग्मा है और उन्हीं स्टिग्मा के नीचे हम लोगों को यहाँ पर देखिए ये सारे जो दिखा रखे हैं वो एंथर हैं, ये मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और स्टिप के आए हुए जो भी पोर्शन है येलो येलो वो एंथर है, बहुत नज़दीक में आया हुआ है ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के, इसलिए इनमें ऑटोगेमी जो है वो इजीली होने के चांसेस है। ये ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि ऑटोगेमी हो तो स्टिग्मा और जो एंथर्स है जहाँ से पोलन निकलती है वो आपस में नजदीक होने चाहिए, जिससे जब भी एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो तुरंत ही स्टिग्मा के पास पहुंच जाए, क्योंकि दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, पोलन ग्रेन्स को कुछ ज्यादा डिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना है, बहुत सिंपली इनको कम डिस्टेंस में ही वो जगह मिल जाएगी जहां उसको जाना है। जहां देखिए यहां पर बस इतना तो डिस्टेंस कट करना है, यहां से तो यहां तक आना है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कम होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसी फ्लावर की पोलन उसी फ्लावर मतलब सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे सेट करें। तो ये कुछ हमने देखा कि हम चाहते हैं कि ऑटोगेमी हो तो उसके लिए प्लांट्स को कौन कौन से एडेप्टेशंस की जरूरत पड़ सकती है। ये हमने बात की नॉर्मल एडेप्टेशंस की, हमारी सोच से भी कुछ ज्यादा प्लांट्स ने अपने आप को एडेप्ट किया है, हम सोच भी नहीं सकते कि कुछ प्लांट्स ऑटोगेमी करना चाहते थे और स्ट्रिक्टली ऑटोगेमी ही करना चाहते थे और उन्होंने कैसा एडेप्टेशन किया। चलिए वो एडेप्टेशन को देखते हैं, और उसी एडेप्टेशन को देखते हुए ऑटोगेमी के दो टाइप्स हैं, सेज्मोगेमी और क्लेस्टोगेमी। तो क्लेस्टोगेमी और सेज्मोगेमी ऑटोगेमी के दो टाइप्स हैं, सेज्मोगेमी एंड क्लेस्टोगेमी कौन कौन से एग्जांपल्स मतलब प्लांट स्पीशीज है जिनमें कॉमनली विजिबल होते हैं, तो वायोला जिसको कॉमन पैंसी कहा जाता है, ऑक्सेलिस एंड कोमेलिना,
ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें चेस्मोगेमी एंड क्लेस्टोगेमी देखने को मिलती है। ऑटोगेमी दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, वो फ्लावर के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड करता है और उसको चेस्मोगेमी कहा जाता है या क्लेस्टोगेमी कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल्स में वायोला, ऑक्सलिस एंड कॉमेलिना है। अब चेस्मोगेमी और क्लेस्टोगेमी होता क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि चेस्मोगेमी क्या है और क्लेस्टोगेमी क्या है। ये दोनों जो है वो ऑटोगेमी के टाइप से, जहां ऑटोगेमी का मीनिंग है सेम फ्लावर, उसी की पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगी। याद रखिए ऑटोगेमी तभी पॉसिबल है जब फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो। क्लेस्टोगेमी किसे कहेंगे और चेस्मोगेमी किसे कहेंगे? तो जो प्लांट्स चेस्मोगेमी और क्लेस्टोगेमी दिखाते हैं, जैसे आप लोगों ने फिलहाल एग्जांपल्स देखे वायोला, ऑक्सलिस एंड कॉमेलिना, ये चेस्मोगेमी और क्लेस्टोगेमी दिखाते हैं। ये दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। पहले फ्लावर्स उनके काफी कलरफुल होते हैं, जैसे नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो फ्लावर है वो वायोलेट कलर के हमें दिख रहे हैं और ये फ्लावर नॉर्मल फ्लावर्स की तरह अट्रैक्टिव होते हैं। नॉर्मली जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जिनका पोलिनेशन इंसेक्ट के मीडियम से होता है, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइट होते हैं, कलरफुल होते हैं और उसमें नेक्टर मिलता है, उनमें फ्रेगरेंस जनरेट होती है जिससे इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। उसी फ्लावर्स की तरह यहाँ पर जो फ्लावर्स हो गए, जो एरियल फ्लावर्स है, जो हवा में आए हुए हैं, जो अराइज होते हैं कहाँ, स्टेम और लीव्स के पास से, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, उन फ्लावर्स को हम चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं। और ये फ्लावर जो है वो नॉर्मल फ्लावर की तरह खुले होते हैं, जैसे सारे फ्लावर्स बर्ड में से डेवलप होने के बाद खुल जाते हैं, उसी तरीके से ये फ्लावर खुला हुआ होगा, कम्प्लीटली ओपन होगा और इसके एंथर्स और स्टिग्मा भी ओपन हो गए, जैसे शू फ्लावर में हम लोगों ने देखा था हिबिस्कस, जिसको हम कहते हैं कि किस तरीके से एंथर्स और स्टिग्मा एयर में ओपन थे, हवा के कॉन्टेक्ट में थे, वैसे ही यहाँ भी फ्लावर्स में एंथर्स एंड स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड हो गए। जबकि क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो होते हैं नीचे की तरफ, आप देखिए वो जमीन की अंदर की तरफ बन रहे यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्लियर कट छोटे छोटे फ्लावर्स दिखा, ये सारे फ्लावर्स है एक्चुअल में। ये जो फ्लावर्स है उनको हम क्लेस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं, ये जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं, और ये फ्लावर जो होते हैं वो ओपन ही नहीं होते, डू नॉट ओपन एट ऑल। ये फ्लावर जैसा फ्लावर का बर्ड होता है उसी स्टेज में रह जाएंगे, मतलब कि इसी तरीके से, और ये फ्लावर ओपन ही नहीं होंगे, मतलब इसके एंथर, इसके स्टिग्मा सब कुछ इसके अंदर है, पर वो कभी भी एयर, वाटर, सोइल किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, क्लोज रहेगा। तो जो इस तरीके की स्पीशीज़ है वो दो तरीके के फ्लावर बनाती है, एक चेस्मोगेमस टाइप ऑफ फ्लावर जो ऊपर की तरफ है जैसे यहाँ रहे, और दूसरे जो फ्लावर्स होते हैं वो कभी ओपन नहीं होते, जिसको हम क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स कहते हैं, वो यहाँ होते हैं और वो हमें यहाँ पर दिख रहे क्लियर कट, जो कभी ओपन नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों करता है ये प्लांट, ये प्लांट जो है वो ऐसे फ्लावर्स को प्रोड्यूस क्यों करता है? वो इसीलिए करता है क्योंकि वो ऑटोगेमी करना चाहता है, क्योंकि उसने जो ऊपर की तरफ फ्लावर बनाए थे जो नॉर्मल फ्लावर्स जैसे थे, ये फ्लावर्स वो तो ओपन होते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे चांसेस हैं, इस फ्लावर के अंदर खुद की पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे आ सकती है, वो भी चांस है, और चांस है कि ये दूसरे प्लांट से भी पोलन ग्रेन्स आए और सेम प्लांट्स के दूसरे फ्लावर से भी है। देखिए यहाँ पर पहला फ्लावर, दूसरा फ्लावर और तीसरा फ्लावर, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड फ्लावर से पोलन ग्रेन्स फर्स्ट फ्लावर पे जा सकती है, थर्ड फ्लावर से फर्स्ट फ्लावर पे आ सकती है, या फिर बगल में अगर कोई दूसरा प्लांट है यहाँ पर सेम इसी के जैसा, तो चांसेस है यहाँ पर कि यहाँ जो फ्लावर्स होंगे उनमें से पोलन ग्रेन्स जो है वो आ सकती है इस फ्लावर के पास। तो इस तरीके से बहुत से चांसेस हैं, जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट से भी आ सकती है, सेम प्लांट्स के दूसरे फ्लावर से भी आ सकती है, मतलब बहुत से रास्ते हैं
अगर खुद की ही पोलन खुद के स्टिग्मा पे गिरेगी तो यहाँ ऑटोगेमी होगी। अगर यहाँ पर सेकेंड फ्लावर से पोलन जो है वो फर्स्ट फ्लावर पे जाएगी तो गेटेनोगेमी होगी। और अगर जो मैम ने ब्लैक कलर से दिखाया है कि बगल में आया हुआ दूसरा प्लांट सेम स्पीशीज का, अगर उसके फ्लावर से पोलन फर्स्ट फ्लावर पे जाएगी तो ज़ेनोगेमी होगी। तो यहाँ पर तो सारे चांसेस है, ऑटोगेमी जो पहला टाइप है पोलिनेशन का, गेटेनोगेमी जो दूसरा टाइप है, और ज़ेनोगेमी। इनके फ्लावर्स तीनों किस्म का पोलिनेशन कर सकते हैं। और अब इसको टेंशन ये है कि मुझे तो स्ट्रिक्टली गेटेनोगेमी नहीं करनी या स्ट्रिक्टली मुझे ज़ेनोगेमी नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी ही परफॉर्म हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही फ्लावर की पोलन मेरे ही स्टिग्मा पे गिरे। ऐसा ये प्लांट अगर चाहता है तो उसने एडप्टेशन किया और ये विल जो उसकी है उसको फुलफिल किया क्लेस्टोगेमस फ्लावर को फॉर्म करते हुए। यहाँ सेस्मोगेमस फ्लावर में सारे तरीके के पोलिनेशंस के चांसेस रहते हैं क्योंकि वो एक्सपोज्ड है, वो खुले हैं हवा में, इस वजह से उन्होंने क्लेस्टोगेमस फ्लावर को फॉर्म किया। ये रीजन है कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो है वो क्यों फॉर्म हुए। तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर का फायदा क्या इनको होता है? देखो, जमीन में से निकाल के हमने इन प्लांट को दिखाया है और आपको क्लियर कट व्हाइट कलर के क्लेस्टोगेमस फ्लावर दिख रहे हैं जो बर्ड शेप में है। बहुत क्लियर दिख रहा है कि वो ऐसे शेप में है, जिसका मतलब साफ है ये फ्लावर बर्ड शेप में ही रह जाते हैं, ये ओपन ही नहीं होते। ये सारे फ्लावर्स हैं। तो ये सब हमें फ्लावर्स को दिखाया है, जमीन में थे ये और हमने प्लांट को उखाड़ लिया तो हम ये हमें दिख रहे फिलहाल, अब आप लोगों को दिख सके और स्टूडेंट्स को दिखाया जा सके कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर कैसे होते हैं। उस वजह से ये फोटोग्राफ किसी ने खींच रखा है। तो देखिए जरा यहाँ पर क्लेस्टोगेमस फ्लावर को, ये फ्लावर नॉन अट्रैक्टिव होते हैं। पहले तो देखिए वाइट कलर के हैं, इनको कोई अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, इसको अपनी पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर तक पहुँचाने ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं है कि खुद की पोलन किसी और के पास पहुंचे, ये तो चाहते हैं कि उसी की पोलन ग्रेन से उसी के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर पोलिनेशन हो और सेम पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करें। इसीलिए इन्होंने क्लोज रहना ही ज़्यादा पसंद किया, ये बंद रहेंगे, ये ओपन ही नहीं होंगे। इसलिए होगा क्या, इसी के अंदर ये बंद के बंद रहेंगे, ये खुलेंगे ही नहीं, तो होगा ये कि एंथर और स्टिग्मा भी हवा के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और एंथर और स्टिग्मा इसी फ्लावर के अंदर एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहेंगे। यहाँ होगा ऐसा कुछ, देखिए जैसे मैं एक फ्लावर को यहाँ दिखा रहा हूँ और समझ लीजिए कि उसके अंदर ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूँ वो स्टिग्मा है और अब मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ वो सारे एंथर्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंथर, सॉरी ऊपर हो गए, तो ऊपर एंथर बनाते हैं हम। ये रेड कलर से जो मैंने बनाया वो एंथर है और ब्लैक कलर का पूरा जो पार्ट है वो स्टिग्मा का है। अब यहाँ होगा कैसा कि ये फ्लावर तो कभी खुलेगा ही नहीं, ये बंद का बंद रहेगा, इसलिए जो एंथर और स्टिग्मा है वो एयर के कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे, वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे और ना वो कांटेक्ट में आएंगे किसी भी इंसेक्ट के। आप समझ लो ये फ्लावर एक डिब्बी जैसा काम करता है, एक बॉक्स जो बंद का बंद ही रहता है, ये बॉक्स कभी ओपन नहीं होगा। तो इस बॉक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कभी आउटर एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। इसके स्टिग्मा जो ब्लैक कलर से मैंने फिलहाल आपको दिखाया है, जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है और इसकी टिप पे रेड कलर के एंथर्स है। ये सब कुछ आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो कोई भी चांस नहीं है कि कोई दूसरे फ्लावर की पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे आ पाए क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर क्लोज्ड है, इसमें कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती, हवा को भी सोचना पड़ेगा कहाँ से एंटर हो। तो जब भी इसके एंथर डेहिशन करते हैं, मतलब कि क्रैक होता है और एंथर से पोलन निकलती है, तो होगा ये कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है, लाइक क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत नज़दीक है और पूरा फ्लावर बंद है। इसलिए जो भी पोलन ग्रेन्स रिलीज होगी उनको डेफिनेटली जाना पड़ेगा कहाँ पर, एंथर से
स्टिग्मा की तरफ, ये सारे एंथर से स्टिग्मा की तरफ उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो इस तरीके से खुद की ही पोलन खुद की स्टिग्मा के ऊपर जो है वो सिट करेगी, और खुद की पोलन से अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो हम इसको कहेंगे ऑटोगेमी। कोई चांस नहीं है यहाँ पर, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन। ये प्लांट चाहता ही नहीं था क्योंकि दगा दे दिया था चेस्मोगेमस फ्लावर्स ने। बहुत ब्यूटीफुल थे, अट्रैक्टिव थे, पर ओपन थे। इस वजह से अगर खुला हुआ है पूरा फ्लावर तो उसके स्टिग्मा पे उस फ्लावर की भी पोलन आ सकती है, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की भी आ सकती है और बगल के प्लांट की भी आ सकती है। तो एक दगा तो दे ही दिया था चेस्मोगेमस फ्लावर ने, तो उन्होंने अपने दूसरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करवाया, क्लेस्टोगेमस फ्लावर, जो खुलते ही नहीं है। इस वजह से जब भी एंथर से पोलन निकलती है तो उनको उसी फ्लावर के अंदर मौजूद स्टिग्मा के ऊपर सिट करना पड़ता है। और यही रीज़न है कि जिससे सेम फ्लावर की पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अटेस्ट होगी और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन भी उसी पोलन से होगा। इससे एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि एश्योर सीड सेट, जिसका मतलब है कि हर एक फ्लावर में पोलिनेशन होगा ही होगा। जबकि बाकी प्लांट्स में क्या होता है कि फ्लावर्स खुल तो जाते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हर एक फ्लावर की स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स पहुंच नहीं पाती, और अगर स्टिग्मा पे कोई भी पोलन ग्रेन्स नहीं आती है तो समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ओवरी का कन्वर्जन फ्रूट में नहीं होगा और ओव्यूल से सीड नहीं बनेगा। वो पूरा यूनिट जो फ्लावर का प्रोड्यूस किया गया था प्लांट का वो बेकार गया। यहाँ ऐसा नहीं है, जबकि ये फ्लावर पूरा क्लोज है तो जब इसके एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो गए तब डेफिनेटली एंथर से पोलन को उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना है, और कोई रास्ता तो है नहीं क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म बंद है, और एंथर से निकली पोलन जाएगी किधर? तो डेफिनेटली उसको गिरना ही पड़ेगा उसी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है उसके ऊपर। तो डेफिनेटली हर एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए हर एक फ्लावर है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन इसके लिए आपको कोई पोलिनेटर्स भी नहीं चाहिए, ना आपको एयर चाहिए, ना आपको वाटर चाहिए, ना आपको इंसेक्ट, ना एनिमल्स। इसने सारी डिपेंडेंसी जो थी वो डिपेंडेंसी है वो बंद कर दी। बस इसने एक चीज सोच ली कि मैं अपना मैकेनिज्म क्लोज रखूंगा जिस वजह से अपने आप ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाएगी और मुझे किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं रहेगी। ये सेल्फ डिपेंडेंट बन गया क्योंकि इसको बस करनी तो ऑटोगेमी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पोलन से ही मेरे ओव्यूल्स फर्टिलाइज हो, मुझे किसी और के पोलन्स नहीं चाहिए। क्या पता उसमें क्या फीचर्स हो, कैसे हो, मैं खुद सुपीरियर हूँ इतना, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सुपीरियोरिटी, मेरे सुपीरियर जीन्स आगे मेरे सीड्स के जरिए डेवलप्ड हो और पॉपुलेशन क्रिएट करे। क्या पता किसी फ्लावर से आया पोलन कैसा हो, क्या पता दूसरे प्लांट्स के फ्लावर से आया हुआ पोलन ग्रेन कैसा हो, उसके फीचर्स कैसे हो। मैं कोई चाहता ही नहीं कि मिक्स वेराइटी प्रोड्यूस हो, मैं चाहता हूँ सेम जैसी मेरी वेराइटी है, मेरे फीचर्स है, बस उसी वेराइटी के सीड्स प्रोड्यूस हो। इसीलिए इन्होंने क्लेस्टोगेमस फ्लावर बनाए जो क्लोज रहते हैं और वो डेफिनेटली कम्प्लीटली ऑटोगेमी ही करेंगे। वैसे कम्प्लीट ऑटोगेमी रेयर है, पर क्लेस्टोगेमस फ्लावर कम्प्लीट ऑटोगेमी करेंगे, इसी वजह से तो एडप्टेशन हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि कोई वेरिएशंस क्रिएट नहीं होंगे क्योंकि सेम फ्लावर की पोलन और उसी फ्लावर में जो ओव्यूल्स बने होंगे उनके जेनेटिक्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो वेरिएशंस क्रिएट नहीं होंगे। पर हाँ, अगर वो प्लांट सुपीरियर है तो उसमें कोई नॉन सुपीरियर या रिसेसिव जीन्स की एंट्री बाहर से नहीं हो पाएगी, तो उसकी सुपीरियरिटी जो है वो मेंटेन रह सकती है। तो कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ लॉस भी है, कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, पर उसका डिस्कशन फिलहाल हम इस टॉपिक में नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम किसी दिन और अलग टॉपिक में इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये हमने फिलहाल बात की क्लेस्टोगेमी और चेस्मोगेमी के बारे में जो ऑटोगेमी का एग्जाम्पल है, और अब गेटेनोगेमी और जेनोगेमी उसके लिए सिंगल सिंगल स्लाइड है सिर्फ, उससे ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट गेटेनोगेमी, ऑटोगेमी के बाद का पोलिनेशन का काइंड है गेटेनोगेमी। ऑटोगेमी में आपने पढ़ा क्लेस्टोगेमी, चेस्मोगेमी। दूसरा टाइप जो पोलिनेशन का है काइंड है वो गेटेनोगेमी है। गेटेनोगेमी में क्या होता है, तो यहाँ पर आपको गेटेनोगेमी और जेनोगेमी दोनों दिखाया है। गेटेनोगेमी को ध्यान से देखिए, वैसे तो तीनों टाइप्स दिखा दिए हैं, आपको ये देखना है।
उसके लिए हमें कंसर्न करना है सिर्फ इसी प्लांट को फिलहाल। देखिए तो यहाँ पर ये जो फ्लावर है वो इस प्लांट का पहला फ्लावर और ये इस प्लांट का दूसरा फ्लावर। सेम प्लांट में एक फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगी तो उसको गेटेनोगेमी कहेंगे। तो गेटेनोगेमी का मतलब क्या हुआ? गेटेनोगेमी का मतलब ये हुआ कि प्लांट सेम रहेगा, याद रखिए प्लांट सेम है, पर यहाँ पर इसी प्लांट का ये पहला फ्लावर है, समझ लीजिए ये दूसरा। तो एक ही प्लांट के पहले फ्लावर से पोलन उसी प्लांट के कोई दूसरे फ्लावर की तरफ मूव करेगी, तो वर्ड हम यूज करेंगे गेटेनोगेमी। जरूरत क्या है कि फ्लावर दूसरा होना चाहिए, प्लांट भले सेम हो। एक प्लांट बहुत सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, तो एक फ्लावर से जो पोलन ग्रेन से वो उसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे अगर जाती है तो उसके लिए हम गेटेनोगेमी वर्ड यूज करेंगे। वैसे तो हमें ये लगता है कि ये एक तरीके का क्रॉस पोलिनेशन है, फंक्शनली हमें ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे फ्लावर यूनिट से पोलन ग्रेन एक अलग ही फ्लावर पे आई हुई है। इसे लग ऐसा रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन हुआ, इसमें पोलिनेटिंग एजेंट्स की भी जरूरत पड़ती है और पोलिनेटिंग एजेंट्स एक फ्लावर से पोलन दूसरे फ्लावर के पास लेके आते हैं, जहां पर पूरा यूनिट ही बदल जाता है, फ्लावर ही चेंज हो गया। तो हमें लगता है कि ये क्रॉस पोलिनेशन है, पर जेनेटिकली अगर आप देखें तो ये ऑटोगेमी है। भले इसका नाम गेटेनोगेमी हो, पर एक तरीके से ये ऑटोगेमी के साथ काफ़ी रिजेंबल करती है अगर जेनेटिकल व्यू को देखें, क्योंकि ये ए नाम का जो प्लांट है उसके अंदर जो भी फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिखाए हैं यहाँ पर, ये सारे फ्लावर्स है तो वो सिंगल प्लांट के, और एक प्लांट के जेनेटिक्स जो होते हैं उन जेनेटिक्स से जो भी फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए होंगे उनमें ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी होगी। जैसे आप कह सकते हैं कि एक सिंगल पेरेंट अगर बहुत सारे बेबी को बर्थ देगा तो उसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज होगी, उसी तरीके से प्लांट तो एक ही है, एक सिंगल प्लांट अगर 10 फ्लावर्स बना रहा है वो तो 10 फ्लावर्स जो होंगे उन सब में जेनेटिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा। हाँ थोड़ी बहुत वेरिएशन मिलेगी पर वो उतनी ज़्यादा भी नहीं होगी, क्योंकि वो सारे फ्लावर्स जो है वो एक ही प्लांट में फॉर्म हुए हैं। तो अल्टीमेटली उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन किसी तीसरे फ्लावर पे जाती है तो उनमें जेनेटिक्स में क्या वेरिएशन आएगा? पोलन ग्रेन के पास भी ऑलमोस्ट वही जेनेटिक्स होगा जो ओवरी के ओव्यूल्स के पास होगा। यही रीज़न है कि जेनेटिकली हमने कहा कि ये ऑटोगेमी के साथ रिजेंबल करता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स आती तो सेम प्लांट से ही है ना, फ्लावर भले ना अलग अलग हो और सेम प्लांट मतलब सेम जेनेटिक्स। तो ये हमने पढ़ा गेटेनोगेमी के बारे में, जो दूसरा काइंड है पोलिनेशन का, और तीसरे टाइप से हम तीसरे काइंड से ये टॉपिक को फिनिश करेंगे जो है ज़ेनोगेमी, जहां पर बहुत ही क्लियर कट दिखाया गया है कि ए नाम के प्लांट से पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट एक बी नाम के प्लांट के फ्लावर्स के पास ले जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलन ग्रेन्स जब डिफरेंट प्लांट से आती है तब वर्ड ज़ेनोगेमी यूज करेंगे। जीनेटिकली यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ए नाम का प्लांट एक अलग सीड से प्रोड्यूस हुआ होगा और बी नाम का प्लांट जो है वो डिफरेंट सीड से प्रोड्यूस हुआ होगा, तो दोनों के जेनेटिक्स डिफरेंट होंगे क्योंकि पूरे इंडिविजुअली डिफरेंट है, दोनों ऑर्गेनिज्म ही अलग अलग एम्ब्रियो से फॉर्म हुए होंगे, अलग अलग सीड से बने होंगे, इसलिए। तो ज़ेनोगेमी वेरिएशन ज़्यादा लाता है क्योंकि उसमें दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन्स आती है तो उनके जेनेटिक्स और ओव्यूल के जेनेटिक्स में काफ़ी डिफरेंस होगा, इससे वेरिएबिलिटी वाले वेरिएशंस वाले डिफरेंस वाले ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक नए कॉम्बिनेशन वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके प्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़ेनोगेमी मोस्टली हम प्लांट ब्रीडिंग में ज़ेनोगेमी प्रिफर करते हैं, हमारे दोनों पेरेंट्स अलग अलग ब्रीड के होते हैं, अलग अलग होते हैं, मोस्टली हम डिफरेंट फ्लावर की पोलन को यूज़ करते हैं, हमारे सिलेक्टेड पेरेंट जो है
उसके पोलिनेशन के लिए। यहाँ पर तीनों टाइप्स वापस एक बार दिखा दिया है। देखो आप ध्यान से देखो तो इस फिगर में आपको ऑटोगेमी भी दिखाई है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन दिख रखा है, पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के एंथर से निकल कर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रही है, ये ऑटोगेमी दिखाई है। इन्होंने यहाँ पर गैटेनोगेमी भी दिखाई है कि प्लांट तो सेम रहेगा ये, पर फ्लावर बदल गया, इस फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को ये इंसेक्ट उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ले गया, तो गैटेनोगेमी वर्ड यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको क्रॉस पोलिनेशन मतलब जेनोगेमी भी दिखा दिया है कि ए नाम के प्लांट से पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट के जरिए बी नाम के प्लांट के किसी फ्लावर पे गिर गई, पूरे फ्लावर्स तो बदल गए पर साथ साथ में प्लांट्स भी डिफरेंट है, तो इसके लिए वर्ड हम जेनोगेमी यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आ भी सकता है, और आपके एग्जाम पर्पस में तो मोस्टली, तो इस चैप्टर में से पोलिनेशन का काइंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक है, तो काइंड ऑफ पोलिनेशन 5 मार्क में आने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए इनके तीन टाइप्स को जो इतने हार्ड नहीं है, आपने पढ़ा इसके बारे में, ऑटोगेमी, गैटेनोगेमी एंड जेनोगेमी, जहाँ ऑटोगेमी के दो टाइप्स थे, क्लेस्टोगेमी एंड चेस्मोगेमी। इसी के साथ ये टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करेंगे काइंड ऑफ पोलिनेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे पोलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एजेंट्स हैं उनसे किस तरीके से पोलिनेशन होता है वो समझेंगे। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में।